मैं तो टूट गया। निकले कोई शेडर ही नहीं आ रहा था। बाहर क्या कर रहे हो? माइनक्राफ्ट की जितनी पुरानी शेडर है वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये शेडर आप भी चला सकते हो। तो यो व्हाट्स अप बटन बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। अच्छा हाँ यार, आप तो बिल्कुल मजा आने वाला है। यहाँ पे जो शेडर निकल कर आ गया 1.19.17 के लिए, वो तो आपको पता ही होगा कितना ज्यादा कमाल का आपने देख ही लिया है। एंड ऐसे 1 GB रैम में वर्क नहीं करेंगे तो प्लीज यार माइनक्राफ्ट वालों अपने गेम को थोड़ा लर्न करो यार। बाय द वे माइनक्राफ्ट का नया गेम आ रहा है माइनक्राफ्ट लेजेंड, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो वीडियो बना रखिए चैनल पे आके देखो यार। एंड ऑल्सो अगर आपने इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, लाइक मिलते हैं 500 लाइक, तो जल्दी से कंप्लीट करो। तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब तो बनता है। शेडर को थोड़ी देर यूज करने के बाद मेरे को ये पता चला कि इसके अंदर जो FPS है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है लो एंड के अंदर, लेकिन हाई एंड के अंदर इसकी 4 GB रैम हो गया एंड प्रोसेसर की स्पीड यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो गई। तो इसके अंदर यहाँ पे मेरे को हाई एंड में अच्छी खासी FPS देखने को मिली, लो एंड में यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिली एंड 1 GB रैम में नहीं चला यार यहाँ पे। एंड यार दिक्कत है यहाँ पे बता दूं कि PvP के लिए काफी ज्यादा बेकार शेडर है। अगर आपको गेम प्ले वगैरह बनाना है, एक्सपीरियंस करना है एक ग्राफिक्स का अपने एंड्रॉइड में, वो भी यार बिना किसी झंझट के बिल्कुल माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, कोई पोजाइव लॉन्चर वगैरह नहीं, कोई लॉन्चर नहीं, यहाँ पे MCPE में चाहिए। तो यार यहाँ पे ये मतलब होने वाला है, तगड़ा होने वाला है। और यहाँ पे देखो यार यहाँ पे रिसोर्स पैक नहीं होने वाला है, यानी कि पहले की तरह नहीं होगा कि यार एक रिसोर्स पैक डाला चल गया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, APK बनाना पड़ेगा, पैच APK बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है उसकी चिंता मत करो, जितने भी नए वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कैसे करना है, A to Z पूरा बता दूंगा। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी APK एडिटर ऐप की, जो कि आप क्रोम से कर सकते हो या फिर गूगल से इजीली मिल जाएगा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इंस्टॉल करके पड़े रहने दो। एंड आपको करने का है एक फाइल डाउनलोड करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फिर आपको क्या करना है APK एडिटर को ओपन। तो यहाँ पे मैं ZRChiever एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो अपना फाइल मैनेजर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो जाना है एंड्रॉइड के फोल्डर में मैंने यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में होगी। यहाँ पे आपको जिप फाइल है इसको यहाँ पे एक क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल में अगर फाइल मैनेजर है तो उसके अंदर भी एक क्लिक करने पे आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू फोल्डर बनकर आएगा, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो रेंडर वाला है इसको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे आपने रेंडर वाला फोल्डर जो है इसको सेव करके रखा है, यानी कि ये रेंडर वाला फोल्डर इसके अंदर यहाँ पे आपको जो 2 है इसको आपको रिप्लेस करना है अपनी माइनक्राफ्ट की जो APK है उसको फॉर्म कर। जाएंगे हम अपने APK एडिटर के अंदर, यहाँ पे आपके सामने जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने के बाद आपके सामने जो है एक जो आपकी माइनक्राफ्ट होगी वो वाली खुल जाएगी। ये मैंने बना रखी है इसलिए यहाँ पे हो रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। हमने सेकंड वाला ये बहुत सारे फोल्डर खुल जाएंगे। सेकंड वाला जो फोल्डर है असिस्ट का इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको रेंडर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको मटेरियल्स देखने को मिलेगा। मटेरियल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेगेसी क्यूब मैप देख लेना, लेगेसी क्यूब मैप यहाँ और हाँ रेंडर चंक भी देख लेना। अगर रेंडर चंक मिल गया तो इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हम गए थे अपने एंड्रॉइड के फोल्डर में, यहाँ पे हमारा जो था एक हाँ ये वाला जो था इसके अंदर गए थे। आपको भी ऐसे याद रखना है कि आपने कहाँ पे अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रखा है। यहाँ पे देखो रेंडर यहाँ पे था, रेंडर में जाना है, मटेरियल में जाना है एंड हमने ये वाली फाइल को चुना है अपने APK मतलब इस ऐप APK एडिटर ऐप के अंदर। तो हम ये वाली फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखो हमने ये चुना था तो ये इससे रिप्लेस हो गई है। एंड दूसरा का था लेगेसी क्यूब मैप, तो लेगेसी क्यूब वाली फाइल यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपको मिल जाएगी। तो देखो लेगेसी क्यूब मैप मटेरियल भी हमको मिल चुका है। यहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा एंड ये वाली फाइल जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुल गई क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहीं पे छोड़ी थी। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक कर लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे एक क्लिक करना है, एक क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरी रिप्लेस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है सेफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेफ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, यहाँ पे आपको 3 से 2 मिनट लेगा क्योंकि यहाँ पे जो है एक नया APK कॉपी करता है फाइल को, जिससे कि थोड़ा इसको टाइम लगता है, एंड्रॉइड में करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आपका जो न्यू APK बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस प्रोसेस को दोबारा यहाँ पे अप्लाई करो, हो सकता है कि आपका हो जाए। एंड यहाँ पे अगर आपका ऐप इज नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे अपनी माइनक्राफ्ट पुरानी वाली को डिलीट कर दो, यानी कि पुरानी वाली जो है उसका बैकअप बना लो। बैकअप बनाने नहीं आता, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना है, आप करना है हाउ टू क्रिएट माइनक्राफ्ट बैकअप बाय स्टीव यूअर 77, तो आपको वहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। यार यहाँ पे आप देखो मतलब अभी तो हो रहा है फिलहाल, एंड हो सकता है कि आपको और भी एरर देखने को मिले। तो यार आपको करना क्या है, दिक्कत कुछ नहीं करनी है। एंड अगर आपके पास यानी कि अभी जो APK फॉर्म होगा आपको देखना है कि कहाँ पे है, तो वो आपके फाइल मैनेजर में हो जाता है सेव। आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में, वहाँ पे आपको APK एडिटर नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा, उसके अंदर वो आपके जो APK आपने यहाँ पे बनाया है वो वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। दिक्कत वाली बात कोई है नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मल्टीप्लेयर भी आपको ऑन रहेगा। अब यहाँ पे मतलब सोचो क्या नया एंड्रॉइड नया APK बनाया तो APK होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, APK यहाँ पे फॉर्म रहता है। बहुत ज्यादा ये सब करना तो मैंने ऑलरेडी इसका नीचे एक नया मतलब ये सारा जो APK है इसका ऑलरेडी मैंने एक लिंक दे दिया, यानी कि जो शेडर वाला APK यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत एक बात की होगी कि आपको वही वाली स्पेसिफिकेशन चाहिए होगी जो मेरे एंड्रॉइड में, या फिर चले ना चले एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर आपके पास इंटरनेट की कमी नहीं है, यानी कि यार आपके पास इंटरनेट तो बहुत है, वाईफाई वगैरह लग रखा है, तो आप उसको भी ट्रैक कर लेना, क्योंकि यार
वो इजी रहेगा दादा, इसमें आपको ज्यादा थोड़ी मुश्किल पड़ेगी यार, इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो और भी ज्यादा दिक्कतें आएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो इससे बेहतर मैं कहूंगा कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एपीके दिया है उसको डाउनलोड कर लो, उससे भी ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आप इसको और भी ज्यादा तगड़ा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेटिंग्स पे जाके वीडियोस में जाके अपना यहाँ पे रेंडर चंक्स डिस्टेंस सबसे पहले कम कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से लैग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको जैसे कम करोगे लैग यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलेगा, गेम यहाँ पे स्मूथ हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको एक रिसोर्स पैक डालना पड़ेगा, जहाँ मतलब मर्जी है यार, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर डालना है तो डाल सकते हो, मेरा तो ऐसा कुछ बात है नहीं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ 1.19 का ही वर्जन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप अगर एग्स लेके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है स्नो कॉलम वगैरह के एग्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यार ये 1.19 का ही देखने को मिलता है हमको यार, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे हमको 1.19 में ही चाहिए था, नेदर ड्रैगन में ही चाहिए था, तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है। एंड वाटर क्वालिटी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड यस यहाँ पे फॉग वगैरह भी हमको देखने को मिलता ही है। एंड यहाँ पे शीटर लाइटनिंग मेरे को काफी ज्यादा सही लगी इसी की वजह से। सो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ये शीटर कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। एंड अगर ऐसे और भी शीटर चाहिए तो कमेंट जरूर कर दो, लाइक एम कंप्लीट कर देना 500 लाइक का। तो यस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।